So moving to the next question, find the following products. The first part is 100x multiply by 0.01x to the power 4 minus 0.01x square, right? These are my points. Second is 121.5ab multiply by ac plus b upon 10. And third is 0.1a multiply by 0.1a into 0.001b. ठीक है, दीज आर थ्री सिंपल पार्ट्स बट थोड़ा सा डेसिमल में. तो अब इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने नॉर्मल नंबर्स लिए थे, अब यहां पर डेसिमल में नंबर है. तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे 100x मल्टीप्लाई बाय 0.01x टू द पावर 4 माइनस 0.01x टू द पावर 2. मल्टीप्लाई का सिंपल प्रोसीजर मैंने आपको बताया, जो भी यहाँ पर है उसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, और अगर जितनी टर्म्स हैं उन सब से होगा. प्रॉपर्टी कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एक बार प्रॉपर्टी रिकॉल करा देती हूँ, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. लेट से यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस. मैं प्लस माइनस दोनों ऑपरेशन के लिए प्रॉपर्टी आपको बता चुके हूँ. मीन्स अगर यहाँ पर a इंटू बी माइनस सी है तो आपका हो जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी. सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी दिख रही है हमें, तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. 100x का पहले मल्टीप्लाई होगा 0.01x टू द पावर 4. फाइन, फर्स्ट पार्ट हो गया, ऑपरेशन आपका नेगेटिव है. देन अगेन 100x मल्टीप्लाई बाय 0.01x स्क्वायर. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा लिखने में हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कॉपी करने में कुछ सिली मिस्टेक हो सकती है. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा किससे होगा, नंबर से. तो 100 का मल्टीप्लाई होगा 0.01 से. यू कैन पुट वन ब्रैकेट एंड x मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 4. वैसे तो आपको डायरेक्ट अब लिखना आना चाहिए कि इट विल गिव यू x टू द पावर 5, बट स्टिल मैं एक स्टेप यहाँ पर इंक्रीज कर रही हूँ. ठीक है, 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 0.01 से एंड x इंटू एक्स स्क्वायर. इसके पावर कुछ नहीं है तो आप क्या पुट करेंगे, 1. ये स्टेप जो है यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट स्टिल मैंने आपके लिए स्टेप लिखा हुआ है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे 100 इंटू, यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएंगे इट विल कन्वर्ट इंटू 001 बाय 100, मीन्स 1 बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर दो नंबर हैं तो नीचे 100 हो जाएगा. एंड यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 001 अपॉन अगेन 100 हो जाएगा. यहाँ पर डेसिमल हमने रिमूव किया एंड यहाँ पर 1 प्लस 2. फाइन, नाउ 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल. 001 इज इक्वल एंड टू 1 एंड 1 लिखने का भी कोई सेंस नहीं है, आप चाहे तो इसे भी स्किप कर सकते हैं. सो फाइनली इट इज x टू द पावर 5 माइनस, यहाँ भी क्या हुआ, 100 जो है वो कैंसिल हो गया एंड इट इज 001 मीन्स इक्वल एंड टू 1. आप चाहते तो यहाँ डायरेक्ट भी 1 लिख सकते थे. सो नाउ इट इज योर स्टेप सिंपल फॉर्म में आ गया हमारे पास. अब ये हो गया फाइनली x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 3. सो दिस इज योर आंसर, राइट. तो हमें डेसिमल का मल्टीप्लाई या कोई भी नंबर्स है सबका हर तरीके से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, इसलिए मैंने डेसिमल का एक एग्जांपल लिया.
फर्स्ट आप कॉपी कर लें, अब हम सेकंड करेंगे. सेकंड एग्जांपल इज 121.5 AB मल्टीप्लाई बाय AC प्लस B अपॉन 10. ना आई विल नॉट राइट दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है. ये पूरी टर्म का मल्टीप्लाई इससे भी होगा एंड इससे भी होगा, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टिप पे याद हो जाना चाहिए कि हमें कैसे अप्लाई करना है. ठीक है, तो अब जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 121.5 AB मल्टीप्लाई बाय AC, ऑपरेशन बीच में क्या है प्लस, 121.5 AB मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन 10. दोनों पार्ट हमारे पास आ गए. ठीक है, नाउ नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होता है, बट यहाँ कोई नंबर है ही नहीं तो ये एज इट इज रहेगा, देयर विल बी नो चेंज. नाउ AB मल्टीप्लाई बाय AC, ये हो गया इसका सिंप्लीफाई फॉर्म. प्लस यहाँ नंबर नंबर है तो आप कलेक्ट कर लें, 121.5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 एंड AB का मल्टीप्लाई होगा BC. वेरिएबल वेरिएबल कलेक्ट कर लिए हमने और नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर लिए. अभी हमारे पास क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा. दिस इज पावर वन पावर वन पावर वन पावर वन, a^1 एंड a^1, तो क्या रिजल्ट देगा ये, a^1+1. एंड b एंड c के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिमिलर वेरिएबल नहीं है, तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा. यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल जो है वो आपका एक पॉइंट आगे हो जाएगा, बिकॉज अपॉन में 10 है. आप चाहे तो इसे डिवाइड देके देख लें, आप चाहे तो डेसिमल प्रोसेस से इसे कर लें. यहाँ भी पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है. ए के लिए कोई कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं है, बट बी के लिए है, इट विल गिव यू 1+1. जब सेम बेस हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होती है, एड जाती है. ठीक है, नाउ a^2 BC, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म. नाउ सेकेंड टर्म क्या हो गई, 15 AB^2. अब आगे कोई फर्दर स्टेप इसमें होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अब ये सेम भी नहीं है और कुछ आगे स्टेप्स नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन था. बस केवल एक ही चीज का हमें ध्यान रखना पड़ा कि डेसिमल जो थे उनको हमें केयरफुली सॉल्व करना था. आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं थर्ड क्वेश्चन लूंगी इसी का थर्ड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट इज विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल, 0.1 A मल्टीप्लाई बाय 0.01 A मल्टीप्लाई बाय 0.001 B. सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है प्लस है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी, है ना, दिस इज प्लस. सो व्हाट विल डू, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा. सो योर नेक्स्ट स्टेप विल बी 0.1 A मल्टीप्लाई बाय 0.01 A, ऑपरेशन क्या है प्लस है, जो मैंने गलती से मल्टीप्लाई लिख दिया था उसको मैंने ठीक कर दिया, प्लस 0.1 A मल्टीप्लाई बाय 0.001 B. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन मल्टीप्लाई, डेसिमल का आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और यू कैन चेंज इनटू फ्रैक्शन. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो अपॉन में हम 10 लिख सकते हैं. सिमिलरली जब यहाँ हम डेसिमल रिमूव करेंगे सो वी कैन राइट अपॉन 100, बिकॉज डेसिमल के बाद कितने नंबर से, दो नंबर से. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा प्रेफरेंस दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ भी आप वही करेंगे, डेसिमल आप हटाएंगे तो इट विल बिकम 10 A मल्टीप्लाई बाय, सिमिलरली यहाँ डेसिमल रिमूव किया आपने तो ये हो जाएगा
1, 2, 3 means 1000. Fine? Now, 1 by 10 hi hai, 0 likhne ka koi senses nahi hai. This is 1 by 10, this is 1 by 100. Ye multiply ho jayenge, a into a, now I am writing directly a to the power 2. Kaise? Iski power bhi 1 hai, iski power bhi 1 hai, to power will be added. So, it will give you result 2. Fine? Plus, yahan bhi yahi hoga, 1 by 10 and 1 by 1000 ko hum collect kar lenge. And a and b to wo multiply honge hi nahi because they are not same variable, so we will write as it is a b. Fine. Now it is 1 by 1000 a square plus 1 by 10,000 a b. Students, yahan par aap chahe to ise aise hi answer de sakte hain. But हमारा question decimal में था, तो हमारा preference भी क्या होना चाहिए? Answer should be in decimal. तो हम क्या करेंगे? इसके बाद एक step और करेंगे. अब again हम decimal put करेंगे. नीचे 3 zeros है, तो it will equivalent to 001 a square plus यहाँ 4 zeros है, so it will become 0001 a b. These two answers are equivalent. आप जैसा चाहें वैसा answer लिख सकते हैं. But according to question, question is in decimal, so your answer should be in decimal. But still, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. ठीक है? तो ये हमने decimal के छोटे-छोटे parts किए. Now I am moving to little harder question, जिससे हम थोड़ा उनका level increase करेंगे और solve करेंगे. ठीक है? Now moving to the next question, which is simplify the expression and evaluate them. Means, यहाँ पर हमें कुछ question दिया है, उसे simplify करना है, साथ में evaluate भी करना है. Simplify the expression and evaluate them as directed. Means question में कुछ value दी हुई है, तो हमें उसे बाद में further simplify भी करना है. X minus 3 plus 2 for x equal to 1 and second part is 3y 2y minus 7 minus 3y minus 4 minus 63 for y equals to 2. दो क्वेश्चन से y equals to minus 2 means यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है. हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन पहले हमने कॉपी किया plus 2. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा. साथ में एडिशन में 2 दिया है, जिसे हम बाद में देखेंगे. सो फर्स्ट स्टेप विल बी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. ऑपरेशन यहां पे माइनस है, x मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 एज इट इज. राइट? नाउ x into x will give you x square. अब हम डायरेक्टली लिखेंगे x into 3 will give you 3x plus 2. तो ये आपका simplify होके एक expression आ गया है. Fine. अब they have said the value x equal to 1. So what you will do? Put x equal to 1 in this expression. तो in place of x, 1 substitute करेंगे. 1 square minus 3 into 1 plus 2. 1 square is 1. 3 into 1 is 3 plus 2. Plus plus ka add hoga, 2 and 1 is 3 minus 3 and answer will be 0. Aapko simplify karna tha and evaluate karna tha. So the value of this expression is 0. First part to simple tha, simple multiplication kiya humne. Uske baad humne x ki value ko substitute kiya. Now second part, second question, which is quite lengthy. 3y 2y minus 7
minus 3, y minus 4, minus 63. This is our question. First we have to simplify. इसको हम इससे and इससे multiply करेंगे, the property of distribution. So next step will be 3y will be multiplied by 2y minus 3y multiplied by 7. ये आपका part हो गया minus. Now we'll multiply 3 2y and sorry 3 and 4 minus 63. Means यहाँ पे हमने ये minus as it is copy किया and 3 का multiply इससे भी होगा and 3 का multiply इससे भी होगा, वो हमने apply किया. ठीक है. Now 3 2's a number will be multiplied by number and variable will be multiplied by variable. Now I am writing directly y to the power 2, but कैसे था ये, y की power 1 है, 1 plus 1 is 2. ठीक है. Now again यहाँ पर number will be multiplied by number, 21y, ये part solve हो गया. Minus यहाँ पे आप पहले से simplify करेंगे, 3 into y is 3y, minus 12, minus 63. Now 6y square 21y as it is copy होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की सारी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, जो ओरिजिनल है उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे. 3y यहाँ पर प्लस का है तो इट विल बिकम माइनस, एंड माइनस का 12 है तो इट विल बिकम प्लस. वाई? बिकॉज ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है. अगर प्लस होता ब्रैकेट के बाहर तो कोई चेंजेस नहीं होते, बट ब्रैकेट के बाहर माइनस जब होता है तो अंदर जितनी भी टर्म है उनके जो भी एक्चुअल साइन है उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे. तो ये हमने लिख दिया. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6y स्क्वायर एज इट इज माइनस 21y एंड माइनस 23y विल गिव यू माइनस 24y, बिकॉज ये सेम है, सेम है तो ये एड हो जाएंगे एंड साइन जो है नेगेटिव आ जाएगा. प्लस 12 माइनस 63 विल गिव यू माइनस 51, बिकॉज ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस है. अब आपका ये एक्सप्रेशन जो है फुल्ली सिंप्लीफाई हो चुका है, बट हमें अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, अभी हमने केवल उसे सिंप्लीफाई किया है. नाउ वी विल इवेल्युएट विथ वैल्यू y इक्वल टू माइनस 2. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी पुट y equal to minus 2 in the expression, in this expression. 6y square minus 24y minus 51. We'll substitute the value 6. y ke place pe minus 2 to the power 2 minus 24 in place of y minus 2 and minus 51 as it is. 6 माइनस 2 स्क्वायर, इसको हम साइड में सॉल्व करते हैं. यहाँ पर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 2 जा तो 4 हो जाएगा एंड माइनस विल गिव यू प्लस. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 4 माइनस 24 2 जा 48 एंड दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस माइनस 51. 6 4 24 प्लस 48 माइनस 51. फाइनली जब ये सॉल्व होगा दैट विल गिव यू रिजल्ट 21. यहाँ पर आपको साइन का बहुत ध्यान देना है, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है तो इट विल गिव यू प्लस. सिमिलरली यहाँ पर 24 2 जा तो 48 होता है, बट साइन का मल्टीप्लाई साइन से भी होगा सो इट विल गिव यू 48. तो हमने ये दो क्वेश्चन लिए और दोनों को फाइनल स्टेज तक सॉल्व किया. फर्स्ट का आंसर 0 आया एंड सेकेंड को इवेल्युएट किया तो आंसर विल बी 21. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज add, means in this question they have not said simplify or evaluate, they have simply said add the following. ठीक है, means हमें जो भी expressions दिए हैं उन्हें add करना है. First is 5m 3 minus m
and 6 m square minus 13 m. Second is 4 y in bracket 3 y square plus 5 y minus 7, and another one is 2 y cube minus 4 y square, this is cube, 4 y square plus 5. First is this and this, means हमें इन्हें क्या करना है, plus करना है. Add कहा है, means हमें इन दोनों के बीच में plus apply करना है. 6 m square minus 13 m, this is your first question. Bracket के बाहर 5 m है, sorry again I have copied wrong, this is m, and इसका multiply इससे भी होगा by the property of distributive. तो आपका क्या होगा, 5 m multiply by 3 operation, जो भी in between है, 5 m multiply by m, ये part आपका solve होके क्या बन गया, ये बन गया plus. यहाँ पर कुछ भी multiply करने के लिए नहीं है, so it will copy as it is, ठीक है. Now number will be multiplied by number, so 5 threes are 15, m के लिए कोई option नहीं है, so it will remain same. यहाँ पर number will be multiplied by number, so 5 into 1 is 1, m into m is m square. इधर भी अभी कुछ भी नहीं है solve करने के लिए, so it will be copy as it is. Now 15m and 13m, they are like term, तो हम collect कर लेंगे 15m and 13m, 5m square and 6m square, they are also like term, तो same same term हमने copy कर ली. ये हमें result देगा 2m, and 6m square में से 5m square subtract होंगे, तो it will give you 1m square, but 1 हम generally नहीं लिखते, that's why I have written m square. 15m minus 13m, तो आपका result आएगा 2m, positive इसलिए आएगा because 15 is greater. Similarly 5m square and 6m square जब subtract होंगे, तो greater number का जो भी sign है वो यहाँ पर आ जाएगा. तो your answer is 2m plus m square, और अगर आप इसको अच्छे से लिखें तो m square plus 2m, दोनों same है. So this is your answer. Second part is quite lengthy. अब हम second solve करेंगे. 4y 3y square plus 5y minus 7. In place of and, I'll put addition sign because they have said add the following. Y cube minus 4y square plus 5. प्लस करना है मैंने, बट ये दो अलग अलग पार्ट हैं. स्टूडेंट आप यहाँ चाहें तो दोनों अलग अलग पार्ट सॉल्व करके फाइनली ऐड कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे. अभी हम डायरेक्टली कर रहे हैं और हम पार्ट वाइज भी करके इसे चेक करेंगे, ठीक है. 4y मल्टीप्लाई बाय 3y स्क्वायर, 4y का इससे मल्टीप्लाई होगा, ऑपरेशन कॉपी. 4y multiply by 5y, operation copy. 4y multiply by 7, ये हो गया हमारा first पूरा part. Plus 2 का multiply तीनों term से होगा, 2 into y cube, operation जो उनके बीच में है वो copy. 2 into 4y square, उनके बीच का operation copy, and 2 into 5, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट. ये हमने दोनों पार्ट एक साथ सॉल्व किए. नंबर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 4 थ्री जा 12, y इंटू वाई स्क्वायर विल गिव यू y टू द पावर 3. कैसे होगा, सो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है. y क्यूब प्लस 4 फाइव जा 20, अगेन यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. माइनस नंबर का नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो 24, 28 वाई,
राइट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड, 2 इंटू वाई क्यूब विल बी एज इट इज, क्योंकि कोई नंबर है ही नहीं. 2 × 4 = 8y² + 10. दोनों पार्ट हमने साथ में सॉल्व किए. नाउ विल कलेक्ट लाइक टर्म्स. ये दोनों लाइक दिख रहे हैं. 12y³ + 2y³. सिमिलरली वाई स्क्वायर की कलेक्ट कर लीजिए. 20y² - 8y² ये दोनों लाइक थी, हमने साथ में ले ली. −28y + 10 इनके लिए कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज कॉपी हो गए. 12 × 14y³ + 20y² में से जब 8y² सब्ट्रैक्ट होंगे, सो इट विल 12y² − 28y + 10. ये आपका रिजल्ट आ गया. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम दो पार्ट में भी कर सकते हैं. ये आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या प्रेफरेंस देना है.